Today we will study SR Krishna. Okay. So this is the circuit diagram of the SR Krishna. It consists of our SR latch. Okay. So latch is a basic storage element. It stores one bit. Okay. So latch is a basic storage element. And it is stored 1 bit memory, 8 bit memory will be stored in the latch. Okay, so this latch is nothing is cross coupled gates. Consists of cross coupled gates. ये जो इसका output है ये इसके input है, इसका जो output है इसके लिए ये input. ठीक है, इसमें ये कहलाता है cross coupled gates. ठीक अब यहाँ पर S का मतलब क्या होता है सेट, R का मतलब रिसेट, मतलब S जब दोगे तो रिसेट होगा, ठीक है, मतलब वन, और रिसेट का मतलब यहाँ पर वो जीरो. ठीक है, तो पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं हम लैच की. ठीक है, फिर उसके बाद फ्लिप फ्लॉप का हम वर्किंग देखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पर आप दे रहे हो ये यहाँ जीरो वन से स्टार्ट करते हैं, ये है जीरो और ये वन. ठीक है, ये कौन से गेट है, ये दोनों गेट नैंड गेट. ठीक है, नैंड गेट का ऑप्शन दे देते हैं, ये कॉम्बिनेशन है 0 0, तो आपको मिलेगा 1. एंड क्या करता है, जैसे दो इनपुट है एस और क्लॉक को डॉट करेगा, फिर इसको कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो इन दोनों को डॉट फिर कॉम्प्लीमेंट 1. तो जहां पर भी 0 है आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है. ठीक है, जहां पर भी आपको ये 0 मिल रहा है आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको 1 मिल रहा है. ठीक है, तो यहां पर ये 0 है तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा. ठीक है, ये मिल गया आपको 1. ठीक है, तो जब S 0 है तब आउटपुट मिल रहा है आपको 1. ठीक, अब देखिए ये 1 यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 1. ठीक है, 1 और 1 0, 1 और 1 क्या है 0. ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, आउटपुट कितना है Qn बार,
ठीक है, ऐसी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट वन मिल रहा है और यहाँ पर आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। ठीक है, एक आउटपुट क्यू एन प्लस वन है और दूसरा क्या मिल जाएगा उसको जो कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस वन। ठीक है, तो इसलिए नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ये करते हैं 1 0। ठीक है, एस की वैल्यू 1 और आर स्टार की वैल्यू 0, आउटपुट आपको कहां वन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो जहां 0 है एंड गेट क्या होता है, जो भी 0 होता है आउटपुट क्या मिलता है आपको 1 मिलता है, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब ये 1 कहां अपीयर होगा, यहां पर 1 होगा, 1 और 1 जीरो। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा जीरो एंड। ठीक है, अब ये देखते हैं जब दोनों जीरो, तब क्या होगा, दोनों में वन आ जाएगा। दोनों में क्या हो रहा है, वन हो रहा है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक अपन क्या ले रहे हैं, क्यू एन प्लस वन ले रहे हैं और दूसरा क्या आ रहा है, क्यू एन प्लस वन का बार। ठीक है, तो विच इज नॉट वैलिड। ये कभी, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये कभी पॉसिबल नहीं, इस स्टेट को कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनकंप्लीट या नॉट यूज्ड, ये कभी यूज नहीं करते। ठीक है, नॉट यूज्ड। ठीक, जब दोनों जीरो हो गया तो आपको पता है एंड गेट की प्रॉपर्टी है कि आप अगर एक इनपुट भी जीरो होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अनदर आउटपुट इट विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो, सॉरी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दोनों में 1 आ जा रहा है, एक को हम 2n प्लस 1 मान रहे हैं, एक और को दूसरा आउटपुट को क्या मान रहे हैं, 2n प्लस 1, जो कि एक इनवैलिड केस है। ठीक है, अब ये बचा 1 पर, अब बताइए क्या होगा। देखिए 1 1 है, देखो यहाँ 1 है तो ये 1 है, यहाँ 1 है तो ये 1 है, यहाँ 1 है तो 0, तो कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलता जब 1 होता है, 1 मिल सकता है 0 भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमको क्या पता है क्रॉस कपल्ड है, तो ये देखिए ये क्यू एन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आके आएगा क्यू एन आ जाएगा। ठीक, अब ये है क्यू एन और ये एंड है। ठीक, इसका क्या मिलेगा आपको, 1 डॉट क्यू एन का होल बार, यही होता है एंड गेट में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट। 1 डॉट क्यू एन क्या होता है, क्यू एन, ये हो जाएगा क्यू एन का बार और पहले से यहाँ पर आउटपुट क्या है, क्यू एन बार है, फिर से आपको वही क्यू एन बार मिलेगा। ठीक है, तो आउटपुट हो जाएगा ये क्यू एन बार, आउटपुट हो जाएगा ये qn बार। ठीक है, ये qn और qn बार ये प्रीवियस स्टेट के जो आउटपुट्स पहले से रखे हुए हैं और n प्लस 1 है मतलब जो नेक्स्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये है प्रेजेंट आउटपुट और ये है पास्ट आउटपुट। ठीक है, ये क्या है, मेमोरी है, तो
मेमोरी में पहले से कुछ स्टोर करके रखा होगा वो, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर भी देखते हैं अपन, ये है क्वेन बार, इट विल अपीयर अक्रॉस हियर। इस एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वन डॉट टू एन बार का होल बार, वन डॉट टू एन बार क्वेन बार मिलेगा, ये हो जाएगा क्यू एन डबल बार। मतलब क्या होता है, क्यू एन होता है, ये हो गया क्यू एन, और ये पहले से यहाँ पर क्या है, क्यू एन है पहले से। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये वही आउटपुट दे रहा है जो पहले से था, जो मेमोरी में स्टोर था, इसलिए इस स्टेट स्टेट को कहते हैं मेमोरी स्टेट और होल्ड स्टेट और प्रीवियस स्टेट। ठीक है, होल्ड क्यों, क्योंकि आउटपुट वही है, वो वेट कर रहा है कि कोई दूसरा इनपुट मिले उसे। ठीक है, तो मेमोरी इसलिए क्योंकि जो था आपके पास वही वो लेके आ रहा है। होल्ड का मतलब ये है कि जो उसको आपने जो आउटपुट है उसको होल्ड करके रखा है कि कुछ जीरो बनाएगा तब जाके वो क्या होगा वहां पर चेंज। ठीक है, और हम यहाँ क्या मान के चलते हैं, अगर क्यू एन वन 2n plus 1 is equal to 1 है, इसको कहते हैं set state। ठीक है, ये होगा set, जब 2n plus 1 ये होगा set। ठीक है, और जब 2n plus 1 zero होगा इसको कहते हैं reset state। तो ये चार state होते हैं आपके latch में using NAND gate। ये चीज मैंने नॉर गेट के लिए होता है आपको उस क्लास में। ठीक है, जो सैटरडे को लिया था मैंने, उसमें से ये रिवर्स हो जाता है, यहाँ मेमोरी हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये ऐसा लैच का वर्किंग कैसे काम करता है। ठीक है, अभी मेमोरी किसे होगा, क्योंकि ये पहले से इसको स्टोर कर रखा है उसने। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर एस आर लैच, एस फॉर सेलेक्ट एंड आर सॉरी एस फॉर सेट एंड आर फॉर रीसेट, सेट रीसेट लैच, और इससे जो बना रहे हो फ्लिप फ्लॉप वो कहलाएगा एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ऑनलाइन 50 और ऑफलाइन 90। अब हम ये पूरे का वकील देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये क्लॉक पल्स है। एक ये मैंने बता दिया था, क्लॉक पल्स जैसी ये हाई और लो होता है, हाई लो होता है। ठीक है, हाई हुआ तब इसका मतलब ये वन है, इस पोजीशन को वन कहते हैं और इस पोजीशन को क्या करेंगे, जीरो कहेंगे। ठीक है, सो ये कैसे काम करता है, ये है क्लॉक, ये एस, ये आर, टू एन, टू एन प्लस वन होल बार एंड स्टेट। क्लॉक मैंने जीरो दिया, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, जीरो दे रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए ये है नैंड गेट। ठीक,
ये है इसका जो आउटपुट है वो है एसेसरीज, एसेसरीज क्या हो जाएगा एस और क्लॉक का डॉट प्रोडक्ट और उसका होल का, और डी मॉर्गन्स लॉ से क्या हो जाएगा एस प्लस क्लॉक, ठीक है, क्लॉक का इनवर्स, ठीक, या उसका कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही जब आर आप लिखोगे यहाँ पर आर जो आर एस एस होगा वो होगा आर डॉट क्लॉक का होल का विच इज इक्वल टू आर प्लस क्लॉक का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा s प्लस क्लॉक मैंने जीरो दिया, ये हो जाएगा जीरो का बार, व्हाट इज जीरो कॉम्प्लीमेंट 1, सो दिस विल बी इक्वल टू s प्लस 1, व्हाट इज s बार प्लस 1, 1 प्लस a 1 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग एडेड विद 1 गिव्स यू 1, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये मिल रहा है 1, ठीक है। सिमिलरली आर के भी वही होगा, ठीक, ये हो जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट, आर कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 1, ये हो गया 1, दोनों केस में वहां पर 1 मिल रहा है। अब ये बताओ यहाँ पर एस की वैल्यू जीरो रखो या आर को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो they will be in don't care condition, और इस केस में जब 1 1 था तो आपको क्या मिला था हमको, मेमोरी होल्ड होल्ड मिला था हमको, ठीक है। ये हो जाएगा qn और ये हो जाएगा qn का बार, और ये स्टेट है मेमोरी स्टेट और होल्ड स्टेट और प्रीवियस स्टेट, दैट्स व्हाई यू शुड नो द वर्किंग ऑफ SR latch। SR latch तो और भी नहीं पता होगा तो आगे कैसे करोगे, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप और लैच में ही डिफरेंस है, इतना लैच है उसमें ये कॉम्बिनेशन जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस व्हिच स्टोर हाउ मेनी बिट्स, 1 बिट ओनली। चलिए अब क्लॉक को क्या करते हैं हम, बंद कर देते हैं, ठीक है। जब क्लॉक को आप बंद कर दोगे, जब आप कोई क्लॉक नहीं दे रहे हो तो किस स्टेट में रहेगा, होल्ड की पोजीशन, जो पुराना उसके पास आउटपुट था वही होल्ड कर कर रखेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना रहेगा क्यूएन और यहाँ पर कितना रहेगा क्यूएन बार, जब आपने क्लॉक नहीं दिया। अब क्लॉक को वन दे रहे हो तब ये चालू होगा, ठीक है। तो इसमें चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। एस कितना दे रहे हो आप यहां पर, ये स्टार्ट 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट। क्लॉक कितना है यहां पर 1 है, इसको बंद कर दो, ये हो जाएगा प्लस 1 का, कितना मिलेगा आपको आउटपुट 0 कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1। चलिए फिर यहाँ पर R कितना दे रहे हो आप, R भी क्या दे रहे हो 0 दे रहे हो, ठीक है, R भी 0 है यहाँ पर और ये भी 0 है, 0 कॉम्प्लीमेंट और 1 कॉम्प्लीमेंट, अगेन यू विल गेट 1 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो कौन सा स्टेट में होगा, ये मेमोरी स्टेट में रहेगा, फिर से ये हो जाएगा qn, ये हो जाएगा qn बार सेम मेमोरी और होल्ड और प्रीवियस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ये लगा देते हैं 0 1, ठीक है, s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1, ठीक है। s मैंने लिया 0 और r की वैल्यू को लिया 1, ठीक है। सो 0 कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 कॉम्प्लीमेंट 0, तो आपको 1 मिलेगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट, कितना होता है 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0,
तो एस आर एक्सिस हो गया यहां पर जीरो, ठीक है। तो जब भी एक इनपुट जीरो होता है नैंड गेट में, ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या मिलता है आपको, वन मिलता है। क्यू एन बार आपको क्या मिल रहा है, वन मिलता है, ठीक है। और ये वन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, दोनों वन है तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, जीरो, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट अब हम देते हैं एस को वन, देते हैं एस को वन और आर को जीरो, एस को वन एंड आर को जीरो। अब आपको वन कहां मिलेगा, ये हो गया, ये हो गया वन और ये हो गया जीरो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा जीरो और ये अब हो जाएगा वन, ठीक है। तो ये हो गया जीरो और ये हो गया वन, ठीक है। जीरो एक इनपुट है तो आउटपुट आपको वन मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा वन, ठीक है। वन ये यहाँ जाएगा, वन और वन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, जीरो, अभी हो जाएगा जीरो, ठीक है। क्यू एन प्लस वन वन हो गया, तो कौन सा स्टेट है, ये सेट स्टेट है। नेक्स्ट दोनों वन वन, ये भी वन, ठीक है। एस भी वन आर भी वन, वन बार ये होगा जीरो, वन बार ये भी जीरो, ठीक है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, वन मिलेगा। यहाँ आउटपुट कितना मिलेगा, वन मिलेगा। इस स्टेट को क्या कहते हैं, इनवैलिड स्टेट। और नॉट, सो दिस इज अ ट्रुथ टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसके लिए आपको एंड एंड गेट कैसे काम करता है वो आना चाहिए। ये चीज आप नॉर गेट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, यहाँ पे नॉर गेट लगा दूं, जैसे आपको लैच नॉर गेट का बना हुआ था, तो आप सेम वैसे भी इसका प्रोसीजर कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। तो इनपुट आप क्या दोगे यहाँ पर, कभी वन वन नहीं दोगे, ठीक है ना। दोनों आप अगर वन वन दे दोगे उसको, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब हो रहा है, जब आपने जीरो दिया, ठीक है, एस को वन दिया, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको सेट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एस। जब एस में वन गया ये सेट कर रहा है, जब एस में आपने जीरो दिया तो ये क्या हो रहा है, रीसेट, ठीक है। वन उसको क्या करेगा, सेट करने बोलेगा, और जीरो क्या बोलेगा उसको, रीसेट होने के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, दोनों जब आप क्लॉक दोनों जीरो है, ठीक है, तो दोनों क्या करना, रिसेट करना है। रिसेट का मतलब क्या है, जो पहले से वैल्यू है वो उसी को लेगा, और दोनों को बंद कर दिया, आप बोल रहे हो एस को भी सेट होने के लिए, आर को भी सेट होने के लिए, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करना क्या है, किसको सेट करना है, ठीक है। इसलिए ये केस कहलाता है इनवैलिड केस, ठीक है। एस मीन्स एस इज इक्वल टू वन मीन्स इट विल सेट, ठीक है, इट विल सेट दिस योर फ्लिप फ्लॉप, ठीक। और s इज इक्वल टू जीरो, जब s की वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो रहा है, रिसेट हो रहा है। अगर दोनों को बंद दे दिया आपने, सेट भी होने बोल रहे हो, रिसेट भी होने बोल रहे हो, है ना। दोनों को आप क्या बोल रहे हो कि हो जाओ सेट, s को भी बोल रहे हो, r को भी बोल रहे हो, वो
कंफ्यूज हो जाएगा वहां पर, इसलिए वो किस स्टेट में चल जाएगा, इनवैलिड स्टेट में चल जाएगा। दोनों जीरो है, ठीक है। तो आपको होल्ड रखो, आप नेक्स्ट जो यहाँ पर इनपुट है उसके लिए वेट वेट कीजिए, आपकी जो पुरानी वैल्यूज है वो ही यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये टेबल आसान, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, दोनों जीरो कर दो तो वो हो जाएगा होल्ड में। एस को जीरो किया, आर को वन किया, वन मतलब क्या हो गया, आर बंद हो गया, मतलब रिसेट हो जाएगा, ये हो गया रिसेट, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। एस की वैल्यू वन मतलब सेट, दोनों वन, सेट भी होने बोल रहे हो, रिसेट भी होने बोल रहे हो, तो समझ ही नहीं पाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप, वो इनवैलिड केस, ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत है इसमें नहीं है, और डायग्राम भी बहुत आसान है, चार नैंड गेट बनाओ, ठीक है, इसको क्रॉस कपल कर दो, ये बन गया, और यहाँ पर एक ऐसे दो, यहाँ पर आर दे दो, और दोनों पहले फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। लैच में कोई क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ्लिप फ्लॉप में आपको क्लॉक की जरूरत पड़ती, ठीक है, क्लॉक इनपुट आपको वहां पर देना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, कि आपको चार पांच फ्लिप फ्लॉप पढ़ने हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, ई फ्लिप फ्लॉप, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप्स हैं, मास्टर क्लास के लिए फ्लिप फ्लॉप, तो उसका ये बेस है, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही फ्लिप फ्लॉप से, ठीक। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बनाते हैं। अब तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, ठीक है, एस आर और क्यू एन, ठीक है। तो कितने पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, तीन है तो टू और थ्री एट, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
जब एस और आर जीरो तो क्यू एन क्या था उसको देखो, होल्ड पे था, ठीक है। मतलब होल्ड पे क्या होता है, क्यू एन प्लस वन विल बी इक्वल टू क्यू एन के बराबर होगा, यही होता है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट स्टेट है वो पास्ट स्टेट के बराबर होता है। अब यहां पर क्यू एन की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। So, when s is equal to 0 and r is equal to 0, 2n plus 1 is equal to 2n. Refer your truth table. Truth table में देखा इसका working, जब दोनों 0 होगा ये hold position में चल जाता है। hold का ये मतलब है qn plus 1 is equal to qn. तो यहाँ पर qn की वैल्यू कितना लिया अपन ने, 0, तो वही reflect होगा। Second, again s is 0 and r is 0, in real state mein qn is equal to qn plus 1 is equal to qn. Ab qn ki value kitni hai, 1, ye ho jayega 1. When s is 0 and r is 1, reset condition pe, theek hai, to qn plus 1 ki value kitni hai us samay, nahi reset mein kya value hoti hai, 0. फिर से s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1, रीसेट कंडीशन इरिस्पेक्टिव ऑफ qn, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब r s is equal to 0 and r is equal to 1, r is equal to 1 का मतलब होता है रीसेट,
ठीक है, उस समय क्या करते हैं अपन qn plus 1 को हमेशा क्या करते हैं जीरो लेते हैं, ठीक है। तो जब ये होगा और इस समय भी ये क्या हो जाएगा जीरो, qn से कोई मतलब नहीं। फिर नेक्स्ट when s is equal to 1 and r is equal to 0, it will say that means qn plus 1 will be equal to 1 irrespective of qn. Okay, so this will be 1 and this will be 1. Now both are 1, s is equal to 1 and r is equal to 1, qn is invalid. ठीक है, इनवैलिड केस है, मतलब डोंट केयर कंडीशन, हमको पता ही नहीं है वो क्या होगा, इट विल गोस इन डोंट केयर कंडीशन। ओके, पुट इट डाउन। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ योर, उसी चीज को मैं अलग तरीके से बताया, ठीक है, क्योंकि मुझे रिलेशन निकालना है qn plus 1 जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये किस क्यू कर रहा हूं मैं, इसे के मैप बनाऊंगा और qn की वैल्यू qn plus 1 निकालूंगा s r और qn के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, ठीक है। सो हियर यू हैव टू ड्रॉ अ k मैप, we'll have three variables, this is s, this is r, qn, 0, 1, 4, 3, 4, 5, 6, 7, so this will be r, qn, r, qn, r, qn, r, qn, s, s, s bar, 0, 1, okay, so इसका डेसिमल लिख लेते हैं, ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 1 का हो रहा है जब 1 पे 1 है, ये 1, फिर 5 और 6 में 1 है, 5 और 6 में 1 है, नहीं ठीक है, और 6 7 में 2, एक कॉर्ड और एक पेयर दिख रहा है आपको, एक कॉर्ड है और एक पेयर, ठीक है। अब इस कॉर्ड में s कांस्टेंट है और ये बाकी सारे क्या हो रहे, चेंज हो रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होगा s, इस कॉर्ड का वैल्यू होगा s, ये कांस्टेंट है s थ्रू आउट, और बाकी यहां पर देखिए r, ये r है, r बार से चेंज हो रहा है, जहां पर भी चेंज होता है उसको हम ये लेते हैं, ये नहीं, ठीक है। तो इस कॉर्ड का वैल्यू हो गया s, और इस पेयर में देखिए ये है s बार और ये s, ये चेंज हो गया, ठीक है, बस ये कांस्टेंट है, तो इसको मिल जाएगा आपको r बार qn, ओके। सो आउटपुट क्या है, qn plus 1 है, तो इनको जब लिखोगे, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, qn plus 1 इज इक्वल टू s plus r बार qn, सो दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन qn plus 1 नेक्स्ट स्टेट का ये आउटपुट देता है हमेशा, ठीक है, और ये आपका प्रीवियस स्टेट है, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और नेक्स्ट स्टेट इक्वेशन फॉर SR, ये दो नंबर में आ सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो आपका आउटपुट है qn plus 1, it depends on this equation, ठीक है, इसमें जैसी वैल्यूज पुट करोगे आपको वही वैल्यूज मिलेंगी, अकॉर्डिंगली वही से डिजाइन किए गए, ठीक है।
So this is characteristics table, and this is your characteristics equation. So K map is very important. देखिए ये कहाँ का second तो काम आया, third में भी काम आया. So it is very important to for solving any equation. Okay. So forming any equation. Next, we will draw excitation table. ठीक है, अब ये सब क्यों पढ़ रहे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, क्योंकि अलग अलग फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो सब ये सब करना पड़ता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल. दिस इज बिटवीन 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बार, s एंड r. इस टेबल को देखकर ये आपको ड्रॉ करना. ठीक है, मतलब जब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन है, ठीक है, क्यू एन जीरो क्यू एन प्लस वन जीरो, तब एस और आर की वैल्यू क्या है. लेकिन यहाँ और कंडीशन हो सकता है, यहाँ एक ही कंडीशन है. ठीक है, ठीक है, हाँ ये भी है, उस हिसाब से आपको देख के बनाना है. ट्राई कीजिए. तो एक बार ड्रॉ दिस ट्रुथ टेबल यूजिंग दिस ट्रुथ टेबल. ओके, एक ट्रुथ टेबल से दूसरे ट्रुथ टेबल कोशिश तो करो. ये है कि ऐसी दो वैल्यूज हो जाती है ना, या आज दो वैल्यूज हो जाती है, तब क्या करना है. सो आज तो जब एस की वैल्यू जीरो और वन है, आपको एक जगह लिखना है, दूसरे जगह लिखो. डोंट केयर, क्रॉस कर दो बस ना. क्रॉस का क्या मतलब होता है, यानी ये जीरो और वन, ठीक है, वो यहाँ क्या होगा. क्यू एन जीरो और क्यू एन प्लस वन जीरो, ये और ये, ठीक है, पहली वैल्यू यही है, दोनों जीरो है. अब इसमें दो कंडीशन, एक तो s की वैल्यू जीरो है, r की वैल्यू जीरो है. यहाँ पर s की वैल्यू जीरो, एक चीज तो क्लियर है कि s की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो, दोनों कंडीशन. लेकिन r क्या हो रहा है, यहाँ जीरो है और यहाँ वन.
तो r की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, r की वैल्यू वन भी हो सकती है, ये कौन सा कंडीशन है? डोंट केयर कंडीशन है, ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट केस व्हेन q n इज जीरो एंड q n 1 प्लस इज 1, q n इज जीरो एंड इट इज 1, ठीक है ये वाली कंडीशन। और कोई है क्या सवाल का? नहीं, ये जीरो जीरो उस समय है, s की वैल्यू कितनी है? 1, s की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू है समय 0। चलिए नेक्स्ट है 10, ये है 1110, ये वाला कंडीशन, यही कंडीशन है 10, qn की वैल्यू 1 और qn 1 प्लस की वैल्यू 0, ठीक है एक s की वैल्यू कितनी है? 0 और r की वैल्यू कितनी है? जीरो वन करके वन जीरो वन जीरो आइए वन, ठीक है जीरो और वन। चलिए अब नेक्स्ट केस जब वन वन, ठीक है जब वन वन है दोनों, ये वाला कंडीशन है वन वन वाला, ठीक है और एक और कंडीशन है ये, ठीक जब qn की वैल्यू 1 और qn प्लस 1 की वैल्यू 1, यहाँ यहाँ दोनों 1, यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 0 है दोनों केस में, और एक में हो रहा है s की वैल्यू 0 और इसमें कितना हो रहा है 1, ठीक है s की वैल्यू 0 भी हो रही है 1 भी हो रही है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं इसको? एक 2, सो दिस इज योर एक्साइटेशन टेबल। हां नहीं उसको नहीं ले, अपने को बस किस पे कंसीडर करना है, क्योंकि ये फिर कुछ भी हो सकता है तो फिर वो और कॉम्प्लिकेशन हो, ठीक है ना। अगर ये जैसे आप ये मान लेते हो 0 0, ठीक तो 0 1, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 है, ठीक है तो उसको उसको नहीं करते हैं, टू मेक इट सिंपल ओनली वी टेक दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ एस आर, ठीक है। किसी को डाउट है जितने ऑनलाइन है, जो क्लास में है, ये क्या बना हुआ है? एक लैच, ठीक है इट इज एस आर लैच यूजिंग व्हाट? यूजिंग नॉट, ठीक है इसका भी देख लेते हैं लगी बात। जैसे ए और बी दे रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1, qn plus 1, qn plus bar and c, okay this is qn, this is qn bar, this is qn plus 1, this is qn plus whole bar, qn plus 1 is present output, qn and qn q bar are past output, पहले से जो था इसके पास, ठीक है and this a and b are present input, ठीक है। चलिए पहला केस यहां से करते हैं 0 और 1, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, ठीक है तो इसके लिए और कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए आपको,
ठीक है, तो ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1 ठीक है, ये हो गया नॉर। तो नॉर में क्या होता है, प्लस होता है, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है, तो 0 0 0 का होल बार 1 0 1 1 का होल बार 0 1 0 1 1 का होल बार 0 एंड 0। तो क्या तकरीबन ला सकते हैं कब जीरो मिलता है, जब एक इनपुट वन, ठीक है, देखिए यहां वन है तो जीरो, यहां वन है तो जीरो, यहां दोनों वन है तो जीरो। इफ वन इनपुट इज वन इरिस्पेक्टिव अदर इनपुट आउटपुट विल बी योर जीरो, ठीक है, तो यहां पर वन कहां पर है, यहां पर है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ठीक है, ये वन है, जैसे वन इनपुट देता हूं तो आउटपुट क्या मिलता है मुझे, जीरो, ठीक है। तो जब मैं बी में 1 दे रहा हूं तो आउटपुट 2n+1 is 0, 2n+1 is 0, ठीक है। अब ये 0 कहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, दोनों 0 क्या हो जाएंगे, देखिए दोनों 0 क्या है, 1, तो ये मिल जाएगा आपको यहां पर आउटपुट। कौन सा ये स्टेट है, सेट है, 2n+1 is 1, सो दिस इज सेट। एंड नैंड गेट में क्या होता है, रीसेट होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब लेते हैं 1 और 0, ठीक, इसको 1 कर देते हैं, इसको 0, ठीक, एक भी 1 हुआ आउटपुट क्या हो रहा है, 0, कौन सा 0 होगा, ये 0, 2n+1 0, व्हिच इज स्टेट, रीसेट, ठीक। और ये 0 यहां पर आपके होगा, दोनों 0 क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, आउटपुट ये हो जाएगा 1 n+1। So this whole good, 1 है तो 0 मिल रहा है, 0 है तो 1 मिल रहा है, आउटपुट सही। अब होगा जब दोनों बंद हो गए, यहां भी 1 है, यहां भी 1, दोनों आउटपुट क्या देगा, वहां पर 0 देगा, दोनों आउटपुट क्या देगा, यहां पर 0 देगा, ठीक है, दोनों आउटपुट 0 देगा, तो ये क्या वैलिड है, इट इज इनवैलिड, दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है, इज इनवैलिड, सो दिस इज इनवैलिड और नॉट यूज्ड। अब लेते हैं 0 0, दोनों 0, ये भी 0, ये भी 0, अब 0 है, यहां 0 है तो 1 मिल रहा है, यहां 0 है तो 0 मिल रहा है, यहां 0 तो 0, इसको नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, तो प्रीवियस स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है qn, ये हो जाएगा qn, यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका इनपुट हो गया 0 और qn, ये नॉर गेट है, मैंने क्या बताया है, 0 प्लस qn का ये होल बार होता है, 0 प्लस qn कितना मिलेगा आपको, qn मिलेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू qn बार, और ये पहले से यहां पर आउटपुट क्या है, qn बार, ये हो जाएगा qn बार। क्रिया देखते हैं, ये है qn बार का होल बार, qn का होल बार और ये 0, ठीक, 0 प्लस qn डबल बार, ये हो जाएगा qn डबल बार, इट इज qn, qn ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है, ये हो जाएगा qn, सो दिस स्टेट इज नोन एज होल्ड स्टेट और मेमोरी स्टेट और प्रीवियस स्टेट। उसमें देखिए उल्टा था, मेमोरी यहां था और इनवैलिड, NAND और NOR जब यूज करोगे आउटपुट आपको अलग अलग, ठीक है, सो दिस इज HRSR लैच यूजिंग NOR गेट, NAND गेट को मैंने बताया, तीन चार ही कंडीशन पॉसिबल है, और यहां पर जब तो ये हो जाएगा, जब वन दे रहे हो ना, ये हो जाएगा, देखो इसमें उल्टा है, B को 1 दे रहे हैं तो ये 1 हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा S, और ये जब 1 दे रहे हो तो ये हो रहा है रीसेट, तो इसको ऐसे लिखते हैं R S, ठीक है, A और B यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा S हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, बुक में देखना ऐसे लिखा होगा, ऊपर R लिखा होगा, नीचे S लिखा होगा, गलती है, इसको कभी कभी RS लिखा होगा, सही है, रीसेट सेट या सेट रीसेट को भी लिखा,